वो हार्दिक पांड्या ने क्या वो बड़ा चल रहा है कि कुछ पढ़ के फूका है हाँ, बॉल पे, वो आपने देखे क्या हुआ है? हार्दिक पांड्या बॉल करवाने से पहले बॉल दिखाईगा, उसने लिटरली पकड़ा है। अभी अगर हमारे पास पिक्चर है तो प्लीज क्या कर रहा है वो बताओ, पिक्चर है तो वो भी दिखाई, यूं करते हुए ना किया और बॉल किया और लिटरली उसी बॉल पे बोल्ड, उसी बॉल पे आउट हो गया इमाम, इमाम तो इससे बातें करते हैं, एक ही बॉल से बात की उसी पे आउट हो गया, हाँ एक ही बॉल पे बात की उस पे आउट हो गया, उस वक्त उसकी बातचीत होगी ना, उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बॉल पे गालबर फूंक मारी वो और वो जो था अगली बॉल होगी। मुझे बहुत कमेंट्स आए खान साहब ये देखें क्या हुआ, मैंने उनको बताया आज अमावस की रात भी है तो जिसमें ये जादू टोने होते हैं और जिसमें ये जो गैर मजहब जो लोग हैं वो इस पे बहुत वर्क करते हैं इसमें, अच्छा हाँ इसीलिए मैंने सुबह से कहा हुआ कि या फताहु या मुतकब्बिरु आज नहीं छोड़ना तस्बीहात पे और जाना है। फ्रेंड्स अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। बैटिंग जैसे हुई है, सेट हो के आउट हुए, उनको पता है कि अब हमने 100 कर ली है, उसके बाद फिर हमने 25-30 कर ली है, खूबसूरती दिखा दी है, ये नहीं सोचा 25-30 कर लिए तो 100 की तरफ 70-80 रन कर लें जैसे रोहित शर्मा ने किया। सारे बॉलर्स को मारा, एक एक बॉलर को मारा जिनको किसी को टेपिया, कोई बॉल लेके भाग रहा है, कोई जुगाड़ में खेल रहा है इसलिए कि उसको ये पता नहीं कहां से पकड़ के लिए आए थे, 16 साल का कच्चा तोड़ के वकार यूनुस, एक तो वकार भाई ये छोटे छोटे बच्चे पकड़ के लाते कहां से, इनकी आंख में वो बच्चे ही क्यों आते, पाकिस्तान का डोमेस्टिक का वो बच्चा क्यों नहीं आता, हारिस रऊफ की जगह जो पिछले 2 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है, नसीम की जगह जो पिछले 3 साल से खेल रहा है, ये कौन से बच्चे है? किसके बच्चे जो पाकिस्तान के नाम पे लाके तुम खिला देते हो और फिर तुम बोलते हो पाकिस्तान हार गया, नहीं तुम्हारी नियतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन, आज पाकिस्तान के लिए रन मार लेते रिजवान चंपेराती फेल, बाबर फेल, पूरी टीम 36 पर बिखर गई, भेड़ दिया उन्होंने अहमदाबाद के लिए, तुम 6 महीने से तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था, ये कर दे वो कर दे, घंटा करोगे आगे आने वाले मैचेस में तुम्हारे लिए, अरे आउट हो चुके हैं जी, मोहम्मद नवाज जा चुके हैं और एक सुंदर शॉट खेलते हुए हार्दिक पांड्या की बॉल पे आउट हो चुके हैं मोहम्मद नवाज और हार्दिक पांड्या अपनी दूसरी विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। इस तरह से आउट, मैंने कहा मुझे लगता है बैट लगा है, बाबर फंस गए, नहीं बाबर रिजवान, अच्छा रिजवान रिव्यू करेंगे मुझे लगता है। I cannot accept it. No, that's a huge loss. Review कर दिया उन्होंने, decision is reviewed. मुझे लगता है जिस तरह रिजवान confident नजर आ रहे हैं body language से, मुझे लगता है उनके bat को लग गया और मैंने भी जहां तक note किया है मुझे लगता है कि हल्का सा bat को लग गया, sneeko आएगा बात तो देखेंगे। बात ये वलीद कि यहाँ पे अगर हम बात करें जडेजा के बारे में, हम सभी जानते हैं कि he is the most dangerous बिल्कुल player, लेकिन पाकिस्तानी batsman ये लेग स्टंप भी मिस कर रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा ये हिटिंग इनसाइड है, हिटिंग इनसाइड है आई थिंक सो, और लेग स्टंप भी मिस कर रही है, तो इट्स नॉट आउट, नो इट्स आउट आई थिंक, लेट्स सी अल्ट्रा अर्श में देखते हैं कि ये, अच्छा मेरा दिल जो है ना वो बाहर आने वाला है जी, मिसिंग है, तो मैं जो हूं ना मैं पागल हो रही हूं यहां पे, गेंद जो है वो नीचे है, खतरनाक हो सकती है, अब देखते हैं बॉल, सवाल पैदा ही होता है बॉल पिच किधर हुआ है। अब देखिए अंपायर का हाथ कितनी जल्दी ऊपर जा रहा है ऑफ के लिए, ये भी जरा नोट कीजिएगा, ये बहुत नोटेबल बात है, कंफ्यूजन हो ना तो वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, बॉल गिरा किधर है और ये अगर मिसिंग, मिसिंग, यस, नो मिसिंग, यस, यही बात कर रहे थे और आप उनके चेहरे देखिएगा, नहीं 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 नहीं, Yes, 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 सही कहा आपने, अगर वो ऐसा होता तो वो कॉर्नर पे पट्टी चल जाती है आउट की, आउट की पट्टी चल जाती है, देखिए मैं यही बात कर रही हूँ सितार साहब और खतीजा, मैं यही बात कर रही हूँ, आप जरा और हमारे देखने वाले आप जरा ना अंपायर को देखिएगा,
जब भी अपील होती है अंपायर कैसे करता है, ऐसे एकदम इसकी उंगली ऊपर जाती है, तो ये भी जरा सोचने वाली बात है। सितार साहब मुझे ये बताए ना जरा।